हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल सैफजी चैनल और मेरा नाम है कमल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी शाओमी डिवाइस को इजीली कैसे फ्लैश कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन किसी भी वजह से ब्रिक हो गया है TWRP रिकवरी के टाइम और कस्टम रोम डालने के वक्त आपका फ़ोन ब्रिक हो गया है, स्टक हो गया है, मी के लोगों पर स्टक हो गया है, आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो ही जा रहा है। इसके लिए आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें चाहिए एक कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर चाहिए और हमें चाहिए ये चार फाइल दोस्तों। पहली फाइल का नाम है विनरार और दूसरी मी फ्लैश सेटअप और तीसरी केंजो ग्लोबल फास्टबूट रोम। दोस्तों, हमें फास्टबूट रोम चाहिए। जो भी आपका स्मार्टफोन हो, रेडमी नोट 4 हो, 3 हो, 3S प्राइम हो, कोई भी हो, मी 4i कोई भी हो दोस्तों, उसका हमें फास्टबूट रोम चाहिए और वो आपको शाओमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका कि सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और आपको चाहिए फास्टबूट EDL और आपको चाहिए एक ADB सेटअप, जो कि आपको आपका जो फ़ोन का जो जो कि आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है दोस्तों। पहले हम विनरार को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर हम मी फ्लैश को और फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे, इसे कर लिए, ऐसे फोल्डर आ जाएगा। इसे ही आप केंजो ग्लोबल फास्टबूट रोम को भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और मैंने दोस्तों इन सभी को इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे नहीं करूँगा। तो हम सीधा चलते हैं अपनी मी फ्लैश फ्लैशर की ओर, जो कि यहाँ पर है दोस्तों। किसी टाइम ये फ्लैशर आपका काम नहीं कर रहा है, नहीं इंस्टॉल हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, तो आपको ड्राइवर सिग्नेचर ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो F8 दबाएंगे तो ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप ड्राइवर सिग्नेचर को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका जो फिर भी ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको फार्मवेयर भरना होगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट ये देगा, उसके हिसाब से आप फार्मवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, फिर आपका जो मी फ्लैशर है वो काम करने लग जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है, तो इसमें मी फ्लैशर आसानी से बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो इसे ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे शाओमी डिवाइस को फास्टबूट EDL मोड पर लेके जाना होगा। इसके लिए हमें पावर बटन और डाउन बटन एक साथ प्रेस करने हैं। तो दोस्तों, हमारा फोन फास्टबूट मोड में जा चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें अपनी जो USB डाटा केबल है वो लगा देनी है। दोस्तों, फास्टबूट मोड पर आने के बाद हमें USB केबल लगा लेनी है अपने कंप्यूटर में। दोस्तों, ये सब करने के बाद हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा और इसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमें वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो हमने फास्टबूट रोम को एक्सट्रैक्ट किया था, जहाँ पर हमने रखा हुआ था। मैंने दोस्तों इसमें एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है इसको, ये देखिए केंजो ग्लोबल इमेज, मैं इसे ओके करूँगा। और सबसे पहला काम दोस्तों, हमें EDL मोड पर जाना ज़रूरी है। EDL मोड पर हम ये दोस्तों हमने जो इसको एक्सट्रैक्ट किया था, इसे ओपन करेंगे और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी और आपका फ़ोन ब्लिंकिंग करने, अभी तो फास्टबूट मोड में है दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन की ये एक ब्लिंकिंग करने लगेगी लाइट, इसका मतलब आपका फ़ोन तैयार है फ्लैशिंग के लिए। तो हम क्लीन ऑल पर क्लिक करेंगे और हम फ्लैश पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो फ्लैशिंग है स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। जब ये पूरी फ्लैश हो जाएगी
तो यहाँ पर सक्सेस लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है आपकी जो फ्लैशिंग है वो पूरी सक्सेस हो चुकी है। इससे तकरीबन दोस्तों 10 मिनट लगेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो स्मार्टफोन की जो माइक्रो यूएसबी केबल है उसे निकाल देना होगा, और जो आपकी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंकिंग कर रही है उसको हटाने के लिए दोस्तों आपको पावर बटन को दबाए रखना है। इससे क्या होगा, आपका ईडीएल मोड से आपका फ़ोन हट जाएगा और आपका फ़ोन पावर ऑन हो जाएगा। दोस्तों मेरा Redmi Note 3 ऑन हो चुका है दोस्तों इसे भी तकरीबन 10 मिनट लगे ऑन होने को। दोस्तों आप अपने फ़ोन को ऐसे इजीली फ्लैश कर सकते हैं, ब्रिक फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने Redmi Note 3 का सेटअप कर लिया है। दोस्तों मैंने इसमें स्टेबल रोम इंस्टॉल की है, आप चाहें तो इसे बीटा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने इस सभी मेथड को बताया वैसे वैसे करेंगे तो आप बीटा भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको जब आपकी फ्लैशिंग हो रही होगी तो आपको उसे छेड़ना नहीं है, ना ही अपने स्मार्टफोन को छेड़ना है, ना ही इसकी यूएसबी केबल निकालनी है, और ना ही दोस्तों अपने कंप्यूटर में कोई छेड़छाड़ करनी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल टेक्निकल सैव जी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।